आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स और वॉर्स, युद्ध का पूरी की पूरी मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं। सारे दुनिया के और हमारे देश में जो इंपॉर्टेंट युद्ध हुए हैं जिसने दिशा और दशा दोनों ही बदल दी, उन पे हम बात करेंगे। और सबसे पहला भैया हाइडस्पास रिवर झेलम नदी का वो युद्ध जिसने भारत की दशा दिशा चेंज कर दी, मेरा भारत महान। तो हम सब कुछ देखेंगे एक एक करके, बड़ा मजा आने वाला है, मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फेसबुक पे @_eConnect पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो पूछिए। और मेरे PDFs लेक्चर की अपडेट सब आपको यही मिलेगी, या फिर मेरी फेसबुक प्रोफाइल सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, यहाँ पे भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खजाना लाए हैं हम आपके लिए 22,500 रुपए में UPSC का कॉम्प्रीहेंसिव प्री प्लस मेंस पेन ड्राइव कोर्स। बाहर जाके 5,00,000 रुपए फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से घर बैठ के तैयारी कीजिए। स्टडी IQ आपके साथ है, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, फिर ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। और भी सारे के सारे एग्जाम्स के लिए StudyIQ आपके साथ है। जो भी आपको एग्जाम निकालना हो, पेन ड्राइव कोर्स ऑर्डर कीजिए, नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बैटल ऑफ हाइडस्पास जो थी ना, वो लड़ी गई थी अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, ठीक है। अब मैंने अलेक्जेंडर का ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, उसकी बायोग्राफी आप देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। वैसे तो यहां पे भी हम अलेक्जेंडर की बात करेंगे, सिकंदर की बात करेंगे, बैटल ऑफ हाइडस्पास का भी, हाइडस्पास की भी वहां पे मैंने बात की थी। अब क्या है कि बैटल ऑफ हाइडस्पास जो थी झेलम नदी के किनारे जो लड़ी गई थी, ये भारत के लिए, इसने भारत की पूरी तरह से दिशा दशा दोनों बदल दी। इसी युद्ध से, इसी बैटल से सबक लेके चाणक्य ने यह ठान ली कि जो गलती बैटल ऑफ हाइडस्पास में हुई वो हमको नहीं दोहरानी। चंद्रगुप्त मौर्य को उसने यही शिक्षा दी कि बेटा जितनी भी गलती वहां पे हुई ना, तुम मत करना, और इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य खड़ा कर दिया। वैसे तो पूरे मौर्य साम्राज्य के 8 लेक्चर की सीरीज में लेके आया था। सबसे पहले हमने चाणक्य की बात की थी, फिर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, चाणक्य के 2 लेक्चर्स, चंद्रगुप्त मौर्य के 2 और अशोक के 4, तो टोटल 8 है, जरूर देखिएगा, आपको मौर्य वंश पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात थी। अब अलेक्जेंडर की जरा बात कर लें, बैकग्राउंड देख ले कि एक्चुअली हुआ क्या था। देखिए भारत की अगर बात करें तो भारत उस समय 16 महाजनपद में डिवाइडेड था। अब क्या था, ये 16 के 16 महाजनपद, हर एक महाजनपद का एक राजा होता था, आपस में सब भिड़े हुए थे कि भैया ताकत किसकी। इधर अलेक्जेंडर जो था अपने पिता की मृत्यु के बाद गवर्नर बना मकदूनिया का या ग्रीस का, उसके बाद वो जीतता चला आया। सबसे पहले उसने ग्रीस को कंकर किया, पूरा जीता, उसके बाद उसने ग्रेट पर्शियन एम्पायर को कंकर किया, मतलब पूरा नॉर्थ अफ्रीका अफ्रीका होते हुए पूरा उसको, इजिप्ट को कंकर करते हुए, फिर बहुत बड़े पर्शियन एम्पायर को जिसको एक्मिनिड एम्पायर भी बोला जाता था, दारियस उसका किंग था, उसको हरा के इसने कंकर कर लिया और एक वैसाल स्टेट उसको बना लिया। अब भैया अलेक्जेंडर बहुत घमंड में, उसने बोला कि यार क्या है। वैसे तो अलेक्जेंडर ये चाहता था, अलेक्जेंडर ने ये बोला था कि उसका जो साम्राज्य है वो दुनिया के आखिरी छोर तक हो, और समुद्र जहां पे खत्म होता है वहां तक हो। उस समय तो भैया ज्योग्राफिकल कोई नक्शा था ही नहीं, कहां खत्म क्या हो रहा है, तो सब कुछ वो जीतना चाहता था। तो यहीं से उसने अपना काफिला जो है स्टार्ट कर दिया, भारत को इन्वेड कर दिया। बहुत घमंड में थी अखामीद अंपायर, एक्मिनिड अंपायर जो था वो बड़े घमंड में था कि हमारे सामने कोई भी आएगा ना उसको उखाड़ के फेंक देंगे, हम वॉरियर्स हैं। लेकिन सामने जो थे ना बहुत महान राजा, गजब के वॉरियर, शौर्य से भरे हुए पोरस थे, 6.5 फिट हाइट थी, लंबे चौड़े एकदम भीम का है, वो थे असली बाहुबली, ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए बहुत लोग, बहुत मॉडर्न हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि पोरस जीत गए थे, और ऐसा सच भी हो सकता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है कि यूरोप ने हमको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, देखते हैं क्या सामने आता है। लेकिन जब तक कुछ सामने नहीं आ रहा है तब तक हमको अपनी टेक्स्ट बुक पे ही जाना पड़ेगा। ये जो वॉर था बैटल ऑफ हाइडस्पास, ये अलेक्जेंडर बहुत ही मुश्किल से मार्जिनली जीता, हार ही गया था लगभग, किस्मत का थोड़ा सा साथ मिल गया। वैसे तो ये एक तरह से ड्रॉ ही बोलेंगे, ठीक है, ये वॉर ड्रॉ ही था। लेकिन इसमें जो विक्टर, अगर ऑफिशियल आंकड़ों की बात करें तो जो विजेता था वो अलेक्जेंडर था, उसने पोरस को अपना मित्र बना लिया, क्योंकि पोरस इतना बहादुर था, ठीक है,
और डेफिनेटली अलेक्जेंडर के लिए बहुत बड़ी हार थी, कहते हैं ना कि वो जीतते जीतते हार गया वो, बिल्कुल ठीक है, मार्जिनली जीता था लेकिन हार ही गया था। ठीक है, अलेक्जेंडर के लिए हार क्यों थी कि इसके बाद अलेक्जेंडर का ये सपना था कि भैया भारत में जैसे ही हम घुसेंगे सबसे पहले पोरस को हराएंगे और उसके बाद पूरे भारत पे कब्जा हो जाएगा। लेकिन भैया इतनी भयानक इनकी आर्मी थी पोरस की कि हाथ पांव फूल गए थे, अलेक्जेंडर की आर्मी ने रिवोल्ट कर दिया था कि अगर अब, क्योंकि पोरस के बाद जैसे ही पोरस को हराते जैसे ही पोरस के आगे बढ़ते, वो पंजाब रीजन से आगे बढ़ते तो था नंदवंश, उनकी भी बहुत बड़ी आर्मी थी। तो भैया बोला कि अब हम बैटल लड़ने हम बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे, हमारी हालत बहुत खराब है, वापस लौट चलो वरना बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो अलेक्जेंडर फिर वापस लौट गया, अपने गवर्नर्स को छोड़ गया, बाद में चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की हेल्प से इन सारे के सारे गवर्नर्स को हरा के राजा बन गया और अशोक उसको एक कदम आगे ले गए, वो मैंने ऑलरेडी समझाया है। ठीक है, तो ये कहानी थी। तो अलेक्जेंडर क्या है भैया, सोचे कि हम इन्वेड कर देंगे, जीत लेंगे भारत को और वो भारत में घुसते हैं। ठीक है, अब वो भारत से पाकिस्तान साइड से आते हैं। ठीक है, हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार करके वो भारत में घुसते हैं, बहुत बड़ी आर्मी लेके आते हैं, सोचते हैं कि इतनी बड़ी, देखिए उस समय कुछ पता नहीं था, डेफिनेटली अलेक्जेंडर के गुप्तचर रहे होंगे, स्पाइस रहे होंगे जो उनको इन्फॉर्मेशन देते थे, लेकिन कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी कि एक्चुअली में हो क्या रहा है या भारत में किस राजा की कितनी बड़ी आर्मी है। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जब उसने बहुत बड़ी आर्मी देखी, ठीक है, तो अलेक्जेंडर डर गया। उन्होंने बोला था कि यहां पे जितने भी राजा हैं भैया उनकी आर्मी बहुत बड़ी है। तो उन्होंने क्या किया कि पोरस को अटैक करने से पहले, झेलम नदी को पार करने से पहले, उन्होंने आसपास के एरियाज को कंकर करना शुरू किया। ठीक है, उसमें से एक बहुत बड़े राजा थे अंभी कुमार, ठीक है, जिसको तक्षिल भी कहा जाता है। अब अंभी कुमार का जो रिलेशन था, वैसे वो पोरस से बहुत जलता था, ठीक है, बहुत ताकतवर था, 16 महाजनपद थे, एक दूसरे से भिड़े हुए थे, कोई भी राजा किसी का अच्छा नहीं चाहता था। ठीक है, तो अंभी कुमार जो था वो बड़ा जलता था, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। अलेक्जेंडर बहुत ही चतुर वॉर जनरल था, वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था, ये बात तो माननी पड़ेगी, तभी इतनी छोटी सी उम्र में उसने सब जीत लिया। एक वॉरियर तो बहुत बढ़िया था ही, साथ ही साथ उसका दिमाग बहुत जबरदस्त था। तो पहले उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी, वो डिप्लोमेट भेजता था, पहले बातचीत से हल हो जाए, तुम हमारी वैसाल स्टेट बन जाओ, ठीक है, मतलब हमारे अंडर तुम रूल करोगे, बाकी तुमको जैसे गवर्न करना है करो, ठीक है, वैसाल स्टेट हमारे बन जाओ, तुम गवर्नर हो जाओ और बाकी हम तुम्हारे ऊपर रहेंगे, तुमको मंजूर है तो ठीक है, नहीं मंजूर है तो फिर तैयार रहो। ये काम करता था अलेक्जेंडर, ठीक है, तो अलेक्जेंडर का कुछ इस तरह का काम करने का तरीका था। अब अंभी कुमार जो हैं वो ऑलरेडी पोरस के दुश्मन थे, तो इन्होंने अलेक्जेंडर ने अंभी कुमार को अपना मित्र बना लिया, अलेक्जेंडर ने अंभी कुमार को अपना मित्र बना लिया, उनसे एलाई कर ली, ठीक है, मतलब वो उनका एलाई हो गया। ठीक है, इसको तक्षिल भी कहते हैं, ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक भाषा में अंभी कुमार को तक्षिल भी बोला जाता है। ठीक है, आपको एक और बात बता दूं, चौंकाने वाली बात, जब अंभी कुमार की सेना देखी थी ना अलेक्जेंडर ने, डर गया था अलेक्जेंडर, और यह बात अंभी कुमार को पता ही नहीं थी। अंभी कुमार एक्चुअली कॉन्फिडेंट नहीं था कि अगर मैं युद्ध लड़ूं अलेक्जेंडर से तो जीतूंगा कि हारूंगा, तो उसने भलाई इसी में समझी कि मैं जाके अलेक्जेंडर से हाथ मिला लूं, क्योंकि ऑलरेडी अलेक्जेंडर का इतिहास जो था वो विजयी था, एक भी युद्ध अलेक्जेंडर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसी चक्कर में अंभी कुमार ने हाथ मिला लिया। ठीक है, अब यहां पे होने वाली है दिक्कत, आगे बढ़ना है, पूरा पंजाब रीजन एनेक्स कर लिया अलेक्जेंडर ने, ग्रीस के जितने भी, और बहुत भयंकर जनरल्स के साथ आया था अलेक्जेंडर, भरे हुए थे जनरल। अब आगे बढ़ने की बारी थी, आगे थी झेलम नदी, उसको क्रॉस करना इतना आसान नहीं था। ठीक है, उस समय उफान पे थी, और उसके बाद थे पोरस, इतने बहादुर अकेले खड़े हुए थे, उनको पता था कि कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब पता चला अलेक्जेंडर को कि पोरस की इतनी बड़ी आर्मी है, तो अलेक्जेंडर के तो हाथ पांव फूल गए, बोले यार इतनी बड़ी आर्मी से हम मुकाबला कैसे करेंगे। लेकिन चतुर आदमी था अलेक्जेंडर ने फिर सोचा, ठीक है, और स्ट्रैटेजीज बनाना शुरू किया। अब अलेक्जेंडर की आर्मी जो है इस तरफ है, बीच में झेलम नदी है, और पोरस इस साइड खड़े हुए हैं। इससे पहले अलेक्जेंडर ने डिप्लोमेट भेजा अपना, ठीक है, पोरस को बोला कि ऐसा है हमारे मित्र देश बन जाओ, हमको युद्ध नहीं चाहिए। पोरस ने बोला भाड़ में जाओ तुम,
ऐसी की तैसी तुम्हारी, तुमको तो बेटा मैं खदेड़ के मारूंगा। आई एम श्योर ऐसा नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं बोला होगा, ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि हमको कोई भी संधि नहीं चाहिए, हम युद्ध लड़ेंगे। ठीक है, तो अलेक्जेंडर ने बोला ठीक है लड़ लो। पोरस की बहुत विशाल सेना थी, पोरस के पास घुड़सवार थे, पोरस के पास वॉर एलिफेंट्स थे, वॉर एलिफेंट्स कभी भी देखे ही नहीं थे अलेक्जेंडर की सेना ने, पोरस के पास रथ थे, और यही रथ पोरस की हार का कारण भी बने। ठीक है, सबसे बड़ी हार का कारण पोरस की ये रथ बने, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश हो गई थी कि वो कीचड़ कीचड़ में रथ फंस गए थे और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, वो देखेंगे, अभी हम बाद में एनालाइज करेंगे कि पोरस की हार के क्या कारण थे और जिसकी वजह से भैया चाणक्य ने भयंकर सबक लिया था। ठीक है, अब यहां पे चलता है लुका छुपी का खेल। ठीक है, देखिए मैं सेटअप आपको दिखाना चाहूंगा, वो मैंने मैप थोड़ा पीछे कर दिया, मुझे आगे करना चाहिए था। यहां पे चलता है लुका छुपी का खेल। ये है अलेक्जेंडर का कैंप और ये पूरी की पूरी पोरस की आर्मी है और ये अलेक्जेंडर की आर्मी है। ये जनरल था अलेक्जेंडर का क्रेटेरस और ये नदी है, ये हाइडस्पास झेलम नदी है, बीच में ये नदी है, इधर पोरस इधर अलेक्जेंडर। अब यहां पे लुका छुपी का खेल चालू हो गया। अलेक्जेंडर बिल्कुल भी सामने से पार नहीं कर सकता था, मौत को दावत देने जैसा था। अलेक्जेंडर को पता था अगर मैंने सामने से हमला किया निश्चित ही मैं मारा जाऊंगा, मेरी सारी सेना डूब के मर जाएगी। ठीक है, कोई तरीका नहीं था, उसको कोई और तरीका सोचना था। वैसे ही आउट नंबर थी अलेक्जेंडर की सेना, पोरस की सेना बहुत बड़ी थी, अलेक्जेंडर की कुछ भी नहीं था, 5:1 का रेशियो था। ठीक है, तो अगर एक सिपाही पे 5 पोरस के, तो इस तरह का कुछ था वहां पे। ठीक है, तो अलेक्जेंडर ने क्या किया, बहुत दिनों तक वो आगे पीछे करता रहा। ठीक है, आगे पीछे आगे पीछे, ये सिर्फ इनको बेवकूफ बनाने के लिए पोरस को। ठीक है, उसके बाद पोरस को एक टाइम पे लगने लगा कि यार ये है जो मुझे बेवकूफ बना रहा है और एक्चुअली में ऐसा होने वाला नहीं है। आराम से वो रिलैक्स करने लगा, उसको यही लगा कि ये पार नहीं कर पाएगा, और इसी चीज का फायदा अलेक्जेंडर ने उठाया। अलेक्जेंडर ने अपनी एक बहुत बड़ी टुकड़ी वेस्ट फ्रंट पे तैनात कर दी। ठीक है, जनरल था क्रेटेरस, इसको कमांड दिया तुम इसको देखो, सामने पोरस की बहुत बड़ी सेना थी और एक छोटी इन्फेंट्री लेके अलेक्जेंडर जो है वो नॉर्थर्न साइड में निकल गया। ठीक है, और यहां से इसने नदी को पार किया। अब यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, जब इन्होंने नदी को पार किया अलेक्जेंडर ने, और उस समय भयंकर तूफान आया था भैया, जब इन्होंने नदी को पार किया तो ये एक दूसरे आइलैंड पे पहुंच गए। इसका मतलब जब इन्होंने पार किया एक दूसरे ही आइलैंड पे पहुंच गए, और वो आइलैंड पे ऑलरेडी वहां पे भयंकर आर्चर्स थे, तीरंदाज थे, तो वहां पे अलेक्जेंडर की आर्मी ने युद्ध लड़ा, जान बचा के भागे, लेकिन अलेक्जेंडर वहां पे जीत गए। ठीक है, जीत गया। उसके बाद फिर अलेक्जेंडर ने दोबारा नदी को पार किया। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल समय था। अब उसने पूरी झेलम नदी को पार किया और ये बहुत ही मुश्किल था, ये भी बता दूं कि इतना आसान नहीं था, क्योंकि भयंकर तूफान भी आया था और ऑलरेडी वो उफान पे थी, तो पार करना इतना आसान नहीं था। झेलम नदी गहरी भी बहुत ज्यादा थी, तो वो पॉइंट देख रहा था जहां पे पानी का लेवल थोड़ा कम हो, वो मिल गया। और अलेक्जेंडर ने फिर पहले पार किया, एक आइलैंड पे लैंड किया, उसके बाद उस आइलैंड को पार करके वो वापस मतलब वो सेना से सीधा सीधा भिड़ने चला गया। अब क्या हुआ दूसरा पार्ट, चलिए अब हम देखते हैं कि क्या हुआ। पार्ट देखने से पहले जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं वो ऑलरेडी इसमें लिखी हुई हैं। एक चीज और बता दो भैया, 326 बीसी में वॉर हुई थी, वैसे तो ये सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है इंपॉर्टेंट है ये डेट, बैटल ऑफ हाइडस्पास 326 बीसी में हुई थी और क्रेटेरस जो था उनका जनरल था। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आर्मी है, ठीक है, जो अलेक्जेंडर लेके गया था अपने साथ, और क्रेटेरस को उसने ऑर्डर दिया था कि तुम यहीं पे ही रहो और मैं फिर साइड से रिवर पार करूंगा और बेवकूफ बनाऊंगा। और अलेक्जेंडर बिल्कुल डिस्गाइज होके गए थे, अपना भेष बदल के गए थे ताकि कोई भी पहचान ना सके, बिल्कुल हिंदुस्तानी वेशभूषा में गए थे वो। ठीक है, तो इस तरह का कुछ था। ठीक है, तो ये सब भी मैं ऑलरेडी चीज बता चुका हूं, और एक चीज मैंने नहीं बताई कि अलेक्जेंडर ने अपना एक लुक अलाइक भी वहां पे तैनात कर दिया था ताकि पोरस को और अच्छे से बेवकूफ बनाया जा सके। ठीक है, और पोरस झांसे में आ गया। पोरस थोड़ा सा घमंड में भी चले गए थे कि देखो कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये बहुत बड़ी उनकी गलती थी। ठीक है, अब क्या है, वक्त आ गया है सीधे भिड़ने का। तो जैसे ही पोरस को पता लगा कि अलेक्जेंडर तो भैया दूसरे साइड से आ रहा है, आराम से वो रिलैक्स कर रहा था, लेकिन अलेक्जेंडर दूसरे साइड से आ रहा था, उसने तुरंत ही एक अपनी सेना भेजी, अपने बेटे का मतलब जो उसका बेटा था वो कमांड कर रहा था उसे, और उस वो जो सेना थी वो अलेक्जेंडर से सीधे भिड़ने के लिए चली गई, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। ठीक है,
वो सेना जो थी वो हार गई, अलेक्जेंडर, भीषण युद्ध हुआ और अलेक्जेंडर की आर्मी ने हरा दिया। अब यहां पे बात थी कि पोरस से कैसे लड़ा जाए। देखिए क्या था कि जो सेटअप था वो बहुत ही खतरनाक था। बीच में पोरस के थे वॉर एलिफेंट्स और बहुत सारे वॉर एलिफेंट्स थे, इधर मतलब वॉर एलिफेंट्स और पैदल सेना इन्फेंट्री, इधर कैवलरी थी जो घुड़सेना थी, ठीक है। तो दोनों साइड बाकी घुड़सेना खड़ी हुई थी और बीच में वॉर एलिफेंट्स खड़े हुए थे। अब ये वॉर एलिफेंट्स इतने खतरनाक थे कि कभी भी अलेक्जेंडर की आर्मी ने ये देखा ही नहीं कि ये क्या है। इनसे निपटना तो बहुत मुश्किल था और ये पूरे आर्मर्ड थे। एक चीज और बता दूं, अलेक्जेंडर की जो सेना थी वो उनके पास बहुत जबरदस्त तरीके से जबरदस्त तरीके के भाले थे, 20-20 25-25 फीट लंबे उनके पास भाले थे, आर्मर्ड सूट थे, ये बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया। बदकिस्मत पोरस की ये थी कि भयंकर बारिश हो गई तो वो जो बैटल फील्ड थी ना वो बिल्कुल कीचड़ में सन गई, जिसकी वजह से पोरस की सेना में बहुत सारे आर्चर्स तीरंदाज थे वो तीर भी सही नहीं लगे, तो ये भी उनकी डिफीट का बहुत बड़ा कारण बनी, ठीक है। लेकिन सबसे मेन जो कारण पोरस की डिफीट का बनी वो बनी रथ, चैरियट्स, रथ की वजह से। रथ ऐसे युद्ध में कोई खास काम के मतलब कोई खास काम आते नहीं है, ठीक है। तो रथ की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। पोरस सबसे टॉल एलिफेंट पे बैठे हुए थे और अलेक्जेंडर का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। शुरू में तो बहुत हालत खराब कर दी भैया, अलेक्जेंडर की आर्मी को बिल्कुल निस्तन नाबूद करते चले गए। तो ये कहानी थी। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि अलेक्जेंडर जो है हाइडस्पास को पार, झेलम नदी को पार करते हैं, और भैया ये सब इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये भी बता दू, सिंधु, एक्चुअली ये सिंधु घाटी में ही सब कुछ हो रहा था, ठीक है। तो अलेक्जेंडर जो है वो इस नदी को पार करते हैं और अपने जनरल प्रेटेरस को बोलते हैं कि जैसे ही मैं तुमको सिग्नल दूं तुम भी पार करना, ठीक है, अभी मत करना, ठीक है। अब भैया वॉर की बारी आ जाती है, भीषण युद्ध होता है। शुरू में तो जैसा कि मैंने बताया भयंकर तरीके से जीतना शुरू कर देती, लेकिन उसके बाद अलेक्जेंडर को समझ में आ जाता है कि इन वॉर एलिफेंट से निपटा कैसे जाए। अलेक्जेंडर बोलता है कि इनकी आंख पे वार करो। अब भैया वॉर एलिफेंट्स ने भयंकर तबाही मचा दी थी अलेक्जेंडर की आर्मी की, और एलिफेंट्स भैया खुद की बहुत बड़े होते हैं वो, ठीक है। और अगर वो दूसरे अगर वो बेकाबू हो जाएं तो वो खुद की आर्मी का कितना बड़ा नुकसान करेंगे ये किसी से छुपा नहीं है। तो जैसे ही आंख पे उन्होंने वार करने शुरू किए और जो महाथ थे उन पे वार करने शुरू किए, उनको महावत जो होते हैं जो एलिफेंट को कंट्रोल करते हैं उन पे वार करने शुरू किए, जितने भी वॉर एलिफेंट्स थे ना वो बेकाबू हो गए। तो एक और ये हार का कारण बन गई, ठीक है। आधी सेना तो उनके एलिफेंट्स ने ही साफ कर दी थी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अलेक्जेंडर लगभग लगभग अपनी हार पे ही आ गया था, ठीक है। लेकिन जैसे कहते ना कि किस्मत का उनका कुछ ऐसा साथ था जो फिर वो मतलब हार को भी जीत में बदल दिया, ठीक है। अलेक्जेंडर के जितने भी सोल्जर्स थे 15-15, 20-20, 25-25 फीट भालों के साथ बहुत ज्यादा क्षति करते हैं पोरस की आर्मी की। डिस्पाइट पोरस के पास नंबर्स बहुत थे, लेकिन उसके बावजूद रथ की वजह से प्रॉपर आर्मरी नहीं थी। जो पोरस की आर्मी में जितने भी सोल्जर्स थे उनके पास आर्मर्स नहीं थे, ठीक है। डेफिनेटली जो बहुत बड़े बड़े जनरल्स थे पोरस थे उन्होंने तो वेल सूट पूरा आर्मर अपने आप को कवर किया गया था, जो कवच होता है उनके पास था, लेकिन मैक्सिमम जो उनकी इन्फेंट्री थी उनके पास आर्मर नहीं थे। और इसी की वजह से जो भालों का वार हुआ वो बहुत भयानक हुआ, ठीक है। तीसरी चीज सबसे बड़ी बात यह थी कि देखिए एक चीज मैं बताता हूं, अलेक्जेंडर के पास एक स्टैंडिंग आर्मी थी, उनके जितने भी सोल्जर्स थे ना वेल ट्रेंड थे, वो वॉर के लिए ही ट्रेंड थे, पोरस के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा सबक लिया था कौटिल्य ने, ठीक है, ये हिस्ट्री में है, बहुत बड़ा सबक लिया था और चंद्रगुप्त को ये बताया था कि भैया स्टैंडिंग आर्मी तो रखे ही रखो, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास आर्मी होगी तभी तो आप किसी भी चीज से बच पाएंगे या किसी चीज को अटैक कर पाएंगे। स्टैंडिंग आर्मी नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि आप किसी को भी बुला रहे हैं, भैया तुम भी भर्ती हो जाओ, तुम भी भर्ती हो जाओ, हमको तो युद्ध करने जाना है, तुम भी आ जाओ, ठीक है, कोई भी आ रहा है। तो ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। आपने 300 मूवी देखी होगी, उसमें जो 300 लोग होते हैं वो कौन होते हैं, एक से एक सब वॉरियर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कुछ सीन था। तो ये तीन मेन वजह थी पोरस की हार का। अब क्या हुआ, अलेक्जेंडर ने बहुत ही मुश्किल से, जो बहुत ही खतरनाक युद्ध था और एक टाइम पे लग ही रहा था कि अलेक्जेंडर हार गया, किस्मत के साथ से और कुछ चतुराई से भी अलेक्जेंडर जीत जाता है, ठीक है।
और एलेक्जेंडर इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि ये जो वॉर होता है ये पर्सनली पोरस खुद लड़ रहा होता है, तो इस बात से भी बहुत ज्यादा खुश होता है। शुरू से ही एलेक्जेंडर बहुत ज्यादा इंप्रेस था पोरस से, ये जो राजा है ये वाकई में इक्वल लेवल का है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंप्रेस था। तो अल्टीमेटली इस बैटल में एलेक्जेंडर जीतता है। वैसे तो हमको वेट करना होगा, लेकिन हो सकता है बहुत लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन जो सच है वो सच है, ये मैं खुद से नहीं बोल रहा, जो लिखा है वहीं से ही पढ़ के बता रहा हूँ। लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं है, पोरस से जितना ज़्यादा बहादुर, बहुत बहादुर थे। ये सब मैं ऑलरेडी आपको चीज़ें बता चुका हूँ, तो ये मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है, अपने लेक्चर्स में ऑलरेडी मैंने बताई थी, ठीक है, और इसकी PDF मेरे फेसबुक पेज से आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये पूरी की पूरी बैटल लड़ने के बाद भैया बहुत ज़्यादा बहुत क्षति होती है, काफी जो नजारा होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। पोरस हार नहीं मानते हैं, उनके बेटे मारे जाते हैं, लेकिन उसके बाद पोरस लड़ता रहता है। एलेक्जेंडर अपने मिशनरी को भेजता है, लेकिन फिर पोरस मना कर देता है। अल्टीमेटली पोरस का जो सबसे प्रिय दोस्त होता है वो उसको समझाता है, वो बोलता है कि यार ऐसा है कि तुम जो है अब सही वक्त है और मित्र बन जाओ, ये ज्यादा बेटर फैसला रहेगा, ठीक है, अब बेकार में मतलब हट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ, ठीक है। लेकिन एक चीज और बता दूं कि पोरस को जब डिप्लोमैट मिलने आता है एलेक्जेंडर का, वो तो ऐसे भाला उठाते हैं पोरस और बोलता है चलो स्टील उठाओ, भाले उठाओ और मुझसे युद्ध करो। लेकिन फिर उनके दोस्त उनको समझाते हैं तो पोरस नीचे आते हैं, ठीक है, रस से नीचे आते हैं और उसके बाद वो पानी पीते हैं, प्यासे होते हैं, पानी पीते हैं और फाइनली उनकी जो हिस्टोरिक एलेक्जेंडर से मीट है और जो ये हिस्टोरिक डायलॉग जो कन्वर्सेशन हुआ था, एलेक्जेंडर ने पूछा था कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने ये बोला था कि एक मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस बात को सुनकर एलेक्जेंडर बहुत ज्यादा गदगद हो गया था, उसका एरिया था वो वापस कर दिया था और बोला तुम इसको रूल करो, तुम हमारे एक वैसाल स्टेट और उसको रूल करो। उसके बाद अलेक्जेंडर की आर्मी ने बिल्कुल आगे जाने से मना कर दिया, उन्होंने कहा भैया पता नहीं आगे कितने पोरस है, इससे पहले हमारा नामो निशान मिट जाए निकल लो यहां से भैया। तो अलेक्जेंडर अपने गवर्नर्स छोड़ के गया था उसके बाद, ठीक है, इस पूरे रीजन में, और वापस बेबीलोन में जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी 323 BC में, ठीक है। अब ये अलेक्जेंडर की कहानी खत्म, पोरस की कहानी खत्म। अब क्या होता है, यहां से जब जितने भी जनरल्स ने, जो भी ग्रीक जनरल्स ने ऑक्यूपाई किए थे, वो सारे के सारे साम्राज्य को वापस पाया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सबसे बड़ा सबक यही सीखा कौटिल्य ने कि भैया कि स्टैंडिंग आर्मी तो बिल्कुल हो, वरना बहुत हालत खराब हो जाएगी, और उसी हिसाब से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। तो ये कहानी थी भैया पूरे के पूरे बैटल ऑफ हाइडस्पास की, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो मेरे पेज पे या मेरी प्रोफाइल पे आप बिल्कुल पूछिए, ठीक है। तो ये चीज़ थी भैया पोरस जैसा महान, क्योंकि मैं इनसे पर्सनली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। इन्होंने बिल्कुल कसम खा ली थी कि आने तो नहीं दूंगा, और एक तरह से पोरस विनर ही है भैया, वॉरियर किंग पोरस, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब अगला लेक्चर जो होगा वो एक ऐसे ही बैटल या वॉर पे होगा, तो इतिहास के पन्नों को हम फिर टटोलेंगे और एक और बैटल आपके सामने लेके आएंगे। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, लेक्चर को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों तक भी पहुंच जाए। क्विक रिमाइंडर, हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज सारे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है, नंबर्स पे आप कॉल करिए, फिर ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।